हे गाइस, आई होप सब आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो फंडामेंटल एनालिसिस में ये बेस्ट स्टॉक है। एंड ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में पिक करके मैक्सिमम 2 ईयर्स तक होल्ड करेंगे, आप बहुत अच्छा रिटर्न पाएंगे, क्योंकि इसके फाइनेंशियल सर्विस एंड सारे डिटेल्स आपको प्लस में देखने को मिलेंगे, एक भी माइनस में नहीं। आई होप गाइस, आप कभी भी किसी भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका करंट प्राइस है 51 रुपये 20 पैसे एंड इसके 2 डे जो रिटर्न रहे हैं लोअर सर्किट में 0.098% रहे हैं। एंड इसका मैक्सिमम रिटर्न आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका हाई रिटर्न रहा है। इसका हाई रिटर्न रहा है 190% तक आसपास इसका हाई रिटर्न रहा है। इस कंपनी के आप फाइनेंशियल सर्विस देख सकते हो, जो ऑलमोस्ट आपको सारी डिटेल्स विकीपीडिया पे इसकी इंफॉर्मेशन आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगी। कंपनी के सीईओ हैं नैलिन सिंगल जी, इसके सीईओ हैं, इसके फाउंडर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी फाउंडर है। इसका स्थापना हुआ था 13 नवंबर 1964 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एंड इस कंपनी का रिवेन्यू आप देख सकते हो टोटल का 2020 का अपडेटेड है 3.1 बिलियन US डॉलर में, जो इंडियन करेंसी में 22,000 करोड़ होता है। इस कंपनी के क्वार्टर फाइनेंशियल सर्विस देख सकते हो, जो ऑलमोस्ट आपको ग्रीन सिग्नल में देखने को मिलेंगे, एक भी माइनस में नहीं है। रिवेन्यू 3.5 ट्रिलियन, जो काफ़ी बेस्ट है। इसका ऑपरेटिंग इनकम 15 करोड़ अराउंड होता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.53% है, जो काफ़ी बेस्ट है। स्टॉक का नेट इनकम आप देख सकते हो गाइस, काफ़ी बेस्ट है। 27 करोड़ इसका नेट इनकम है, जो काफ़ी बढ़िया है। अब आप गाइस इसकी मेन वेबसाइट पे चलो, वहीं पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसकी मेन वेबसाइट पे skinner.com पे। एंड ये स्टॉक आपको दोनों एक्सचेंज पे अवेलेबल है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 17,000 करोड़ के अराउंड होता है, 17 ट्रिलियन अराउंड। इसका एक साल में हाई प्राइस गया था 80 रुपये एंड इसका लो प्राइस गया था 43 रुपये के आसपास। इसका बुक वैल्यू आप देख सकते हो 73 रुपये के आसपास इसका बुक वैल्यू है। एंड इस स्टॉक का फेस वैल्यू आप गाइस देखो, फेस वैल्यू जो है 2 रुपये इसका फेस वैल्यू है। जब मार्केट में लिस्टेड हुआ था इसका प्राइस था 2 रुपये। अब आप इसका हाई प्राइस देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका हाई प्राइस गया था। इसका हाई प्राइस गया था 375 रुपये के आसपास इसका हाई प्राइस गया था, जो इन्वेस्टरों ने इस स्टॉक से अच्छे खासे रिटर्न भी पाए थे। एंड इसका पी रेशियो आप देखो, बेस्ट इसका पी रेशियो भी है, 20% इसका पी रेशियो है, जो कंपनी का 15 से 25% तक बेस्ट माना जाता है। इसका जो इंडस्ट्रीज है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, सेक्टर जो है कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है। इस कंपनी के जो बिजनेस है इलेक्ट्रिक बेस पे होते हैं, आईटी सेक्टर है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टाइप के इसके बिजनेस ऑलरेडी होते हैं। एंड गाइस, इस कंपनीज के आप कंपटीशन देख सकते हो, किस किस कंपनीज के साथ इसके कंपटीशन हो रहे हैं। सीमेंस है, हैवेल्स इंडिया है, एबीबी है, ये काफ़ी फेमस कंपनीज हैं गाइस, इसके साथ इसके कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। एंड इस कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट देखो, इन्होंने इस साल का अपडेट किया है। इसका सेल आप देख सकते हो गाइस, कितना ज़्यादा इसका सेल हो रखा है, 5100 करोड़ इसका सेल है। एंड इसके खर्चे हैं 5000 करोड़ के अराउंड हुए हैं इसके खर्चे। एंड इसके बैलेंस शीट देखो, कंपनीज ने कितना ज़्यादा इसका लायबिलिटीज़ ले रखा है एंड कितना एसेट ऑलरेडी बनाया है। इसका टोटल लायबिलिटीज़ है 54,000 करोड़ इसका लायबिलिटीज़ होता है, जो काफ़ी ज़्यादा है मार्केट कैप से देखा जाए। अब आप इसका एसेट भी देख सकते हो, कितना ज़्यादा एसेट बनाया है कंपनीज़ ने। इसका एसेट है 54,000 करोड़, जो कंपनी है लायबिलिटीज़ के साथ कंपैरिजन में चल रही है। अब आप कंपनीज का मेन टॉपिक देख सकते हो, कितना प्रॉफिट इन्होंने ग्रोथ किया है एंड कितना माइनस में किया है। इसका ऑलरेडी कैश फ्लो जो है प्लस में है, माइनस में नहीं है। इसका 123 करोड़ इसका कैश फ्लो प्लस में है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, माइनस में नहीं चल रही है। अब आप कंपनीज के शेयर होल्ड देख सकते हो, कितना प्रमोटर ने इसका शेयर होल्ड किया है। प्रमोटर ने गाइस 63% तक इसका शेयर होल्ड कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा इसका शेयर होल्ड किया है। एंड इस कंपनीज में ऑलरेडी देखो किस किस कंपनीज ने इसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। लाइफ इंश्योरेंस ने 10% तक इसके शेयर होल्ड किए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इसके शेयर होल्ड कर लिए हैं। बट पब्लिक के पास इसका शेयर काफ़ी कम है, 19% तक इसका पब्लिक का शेयर होल्ड है। एंड आप यहाँ से एनुअल रिपोर्ट, आप यहाँ से ईयरली वाइज चेकआउट करके सारा इन्फॉर्मेशन आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। आई होप गाइस, आप कभी भी किसी भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते वक्त
सारी डिटेल्स आप पर्सनल रिसर्च कर लें एंड अपने ब्रोकर के साथ कंपैरिजन कर लें। एंड गाइस आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।